तो ये रतन सराय स्टेशन में आपको चारों तरफ अंदर आके भी दिखाया, काफ़ी अच्छा लगा। और मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माय डियर जिंदगी यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आफ्ताब परवेज। अभी मैं आ चुका हूं रतन सराय स्टेशन पे, तो सोचा कि मैं यहां का वीडियो आप लोगों को दिखा दूं कि कैसा दिखता है रतन सराय स्टेशन। तो जैसे कि देख सकते हैं ये रतन सराय स्टेशन पे हम लोग आ चुके हैं, हमारे साथ है कमाल फारूक भाई। तो मैंने सोचा कि यहाँ का ब्लॉग आप लोगों को दिखा दूँ। ये रतन सराय स्टेशन है और आप यहाँ पर देख सकते हैं रतन सराय लिखा हुआ है, बोर्ड भी लगा हुआ है और यहाँ पर काफ़ी सुनसान लग रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा, तो मैं सोच रहा कि आप लोगों को दिखाऊं यहाँ का, कि मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे। तो देख सकते हैं ये थोड़ा सा साफ़ सफाई भी है यहाँ पे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। मैं यहाँ से अंदर जाने का कोशिश करूँगा और दिखाऊँगा कि कैसा दिखता है ये रतन सराय स्टेशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं रतन सराय स्टेशन है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, सुनसान लग रहा है और साफ़ सफाई भी यहाँ पर है और ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है यहाँ पे। पता नहीं ट्रेन कब आएगी, मुझे नहीं पता। ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, खाली खाली लग रहा है और काफ़ी अच्छा है ये, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे। और मैं आपको कोशिश करूँगा कि ये सब दिखाऊँ कि यहाँ पर साफ़ सफाई भी बहुत अच्छे से यहाँ पर मेनटेन करके रखा गया। आप देख सकते हैं ये स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर मेरे ख्याल से दो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एक ये वाला है और एक उधर है, दो नंबर प्लेटफॉर्म उधर है और एक नंबर प्लेटफॉर्म ये है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो चलिए थोड़ा सा और मैं आपको दिखा दूँ आगे वहाँ पे। तो ये रतन सराय स्टेशन है, मैं आपको चारों तरफ अंदर आके भी दिखाया, काफ़ी अच्छा लगा। और मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। जैसे कि आपने देखा रतन सराय स्टेशन, रतन सराय के पास में ये गांव है सुरवल, वहाँ पे मैं आ गया हूँ, मेरे दोस्त का घर है जियाउल का। तो जियाउल हमारे साथ 4 साल हॉस्टल में थे भोपाल में, तो मैंने सोचा कि इनसे भी मिल लूँ। हमारे साथ यहाँ पे जियाउल है, तो सबसे पहले जियाउल आप अपने गांव के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। रतन सराय टोला सुरवल है मेरा गांव। अच्छा अच्छा, रतन सराय टोला सुरवल है, ये कहाँ पड़ता है? ये बरौली में। बरौली। बरौली यहाँ से कितना दूर है? 2-3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर है। और डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज। जैसे कि आप लोगों को कोई सामान लेना हो या शॉपिंग करना हो शादी विवाह का, तो आप लोग कहाँ जाते हैं? गोपालगंज, सिवान जाते हैं। गोपालगंज यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता है? 23 किलोमीटर। और सिवान? सिवान है 25-26 किलोमीटर। 25। तो ज़्यादा आप लोग कहाँ जाते हैं? सिवान ठीक रहता है, सिवान सही रहता है, हर चीज़ मिल जाता है। जैसे कि आप लोगों ने रतन सराय स्टेशन का वीडियो देखा, वहाँ से हम लोग डायरेक्ट जियाउल के घर आए हैं और यहाँ पे हम लोग बिरयानी बना था, बिरयानी खाओ के, और फिर यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं बेलसर, जहाँ पे अमरजीत पासवान एक हेलीकॉप्टर बना रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप वहाँ का वीडियो देखें, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भुला भटक के आ गए हैं माय डियर जिंदगी चैनल पर, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, बिल्कुल फ्री है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये तिरपाल वगैरह ये बांधकर ये वाटरप्रूफ बनाया गया है और यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत